नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। काला दिवस बनकर आया शनिवार, विधायक विहीन हो गया बछवाड़ा। बिहार बेगूसराय के बछवाड़ा में शनिवार का दिन बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आम जनता के लिए काला दिवस बनकर सामने आया है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक रामदेव राय का निधन हो गया है। उनके निधन की पुष्टि विधायक पुत्र शिव प्रकाश उर्फ गरीब दास ने किया है। वे पिछले 2 माह से काफी बीमार चल रहे थे। इधर लगभग 2 हफ्ते पूर्व उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। तत्पश्चात परिजनों ने उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होते हुए पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मगर शनिवार की अहले सुबह लगभग 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके मौत की खबर कानो कान क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि विभिन्न दलों के लोग उन्हें गार्जियन के नजरिए से देखते थे। आम आवाम उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि उनका पैतृक गांव चक्का सहलोरी गांव हो अथवा पटना का सरकारी फ्लैट, जाने वाले लोगों के लिए एक एक कर सभी के लिए समय निकाल कर एक बार जरूर रूबरू होते थे। मिलने गए फरियादी हो या कार्यकर्ता, सभी को भोजन के लिए जरूर आग्रह किया करते थे। फरियादियों से मिलने का समय हो अथवा सरकारी कर्मी से लेकर बड़े बड़े आईएएस व आईपीएस, सबके साथ वह बड़े ही बेबाकी से पेश आते थे। मुख्यालय से लेकर देहात के लोग सड़क, पानी, बिजली, पुल, पुलिया समेत अन्य कार्यों का प्रस्ताव लेकर आने वाले लोगों की बातें बड़ी गंभीरता से सुनते थे। साथ ही उन प्रस्ताव को अपनी डायरी में पंजीकृत कर उक्त कार्य के लिए नेगेटिव एवं पॉजिटिव पहलुओं पर विस्तार से जानकारी हासिल करने का प्रयास भी किया करते थे। तत्पश्चात कार्य को लेकर सदन से लेकर विभाग के अधिकारियों तक भाग दौड़ शुरू कर दिया करते थे और तब तक भाग दौड़ जारी रखते थे जब तक कार्य पटल पर न आ जाए। लोगों के प्रस्ताव कड़ी में रानी गांव के पूर्व मुखिया अशोक राव के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानी के 4 दीवार का प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी अनुशंसा विधायक द्वारा की गई थी। इसी बीच वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। उधर इस 4 दीवारी निर्माण के विभागीय स्वीकृति आदेश भी मिल गई। विभागीय आदेश के बाद गाँव के लोगों को में काफी हर्ष का माहौल था ग्रामीणों ने उक्त कार के शिलान्यास किए जाने के लिए खूब आग्रह के बाद मरने के ठीक 12 घंटे पहले उक्त आयोजन अस्पताल के बेड पर से ही 4 दीवारी निर्माण का वर्चुअल शिलान्यास किया था। योजनाओं के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता एवं घपले घोटाले को लेकर काफी सजग रहने वाले में से एक थे। वर्ष 2006 में मिथिला की प्रसिद्ध झमटिया गंगा घाट पर सीढ़ी निर्माण को लेकर तत्कालीन विधायक रहे रामदेव राय व सांसद सूरज भान सिंह के संयुक्त कोष से बनने वाले योजना पर ग्रामीणों द्वारा गुणवत्ता की शिकायत की जा रही थी। आम लोगों की शिकायतों से बौखलाकर उन्होंने विधानसभा में बड़ी मजबूती से अपने घोटाले की बात को रखा। तत्पश्चात उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी से मिलकर उन्होंने सचिव स्तरीय पर जांच कमेटी का गठन करवा कर ही दम लिया। तय समय सीमा के भीतर उक्त जांच टीम बछवाड़ा पहुंचकर ऐतिहासिक झमटिया घाट का सीढ़ी निर्माण व प्रखंड मुख्यालय में अयोध्या टोल जाने वाली सड़क निर्माण कार्य की जांच की, जहां क्रियान्वित हो रहे स्कीम के अभियंता चंद्रभूषण यादव को दोषी करार किया गया और तक्षण ही उक्त अभियंता को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का कहना है कि वे पार्टी की बदौलत विधायक नहीं थे, उनकी वजह से इन क्षेत्र में कांग्रेस थी। हिंदी सिनेमा तिरंगा के मशहूर डायलॉग जमाना हमसे है हम जमाने से नहीं को चरितार्थ कर दिखाया था उन्होंने। जब 2005 में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो खुद के भरोसे ही मैदान जंग में निर्दलीय ही कूद पड़े। आम लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ, नतीजन उन्हें विजय श्री की माला हाथ लगी। मगर बिहार के तमाम सीटों का गणित कुछ इस तरह गड़बड़ाया कि सरकार के सामने भी चाबी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के हाथ में चली गई, पर लोजपा ने किसी को अपना समर्थन नहीं दिया, जिसके कारण पुनः चुनाव कराने की नौबत आ गई और तब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 6 महीने के भीतर ही पुनः विजय हुए। बिहार से राकेश यादव की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।